अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और मैं हूँ इशाल। और आज आपकी खिदमत में लेके आई हूँ अचार गोश्त, और जिसके लिए मुझे चाहिए आधा किलो चिकन, और यहाँ पर अनियन ली थी मैंने एक मीडियम साइज़ की, ग्रीन चिली पेस्ट लिया था 1 टेबल स्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट लिया था 1 टेबल स्पून, एक मैंने टमाटर ले ली थी उसे काट लिया, यहाँ पर कुटी हुई हरी लाल मिर्चें ली हैं 1 टेबल स्पून, और 1 टीस्पून मैंने सौंफ ली है, कोलौंजी ली है 1 टीस्पून, और यहाँ पर 1 टीस्पून ही मैंने यहाँ पर दिया है चाट मसाला, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। और 1 टेबल स्पून मैंने कुटा हुआ धनिया लिया है, और यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है पिसा हुआ, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर लिया है, और 1/2 टीस्पून सॉल्ट लिया है, क्योंकि हरी मिर्चें पीसते वक्त मैंने उसमें भी ऐड किया था, इस वजह से आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने असल में 2 टेबल स्पून ऑयल इसमें मतलब डाला है, ऑयल डाला है, और इसमें फिर मैंने अनियन ऐड कर दी हूँ, और अनियन को मैं ब्राउन कर दूँगी, और उसके बाद मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूँगी और हरी मिर्च ऐड कर दूँगी। और अच्छा होता है कि घर में मसाला रेडी हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, और वैसे भी ये सब चीज़ें तो घर पर भी अवेलेबल होती हैं हर घर में। देखिए, प्याज जो है हमारे ब्राउन हो चुके हैं, अब इसमें अपने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर रही हूँ, जिसको अच्छे से इसी के साथ साथ मैं इसमें टमाटर भी अपने ऐड कर दूँगी, ताकि ये सारी चीज़ें अच्छे से पक जाएं। रिवर्स इसमें हम अपना चिकन ऐड कर देंगे, और चिकन जब तक हल्का सा शेड अपना चेंज नहीं कर लेगा, जब तक इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। तो देखिए, इसने पानी फूल दिया चिकन में, और अपने जो मसाले मैंने आपको बताए थे वो सारे इसमें ऐड कर देंगे हम। मिर्ची जो है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं, और जो नमक है वो भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिएगा। प्लास्टिक वाली प्लेट में पीछे करेंगे दूसरी। तो देखिए व्यूअर्स, चिकन हमारा बिल्कुल स्टैंडर्ड हो चुका है, और इसमें हम अपना पानी ऐड करेंगे जितनी आपको ग्रेवी रखनी है, ताकि हमारा जो चिकन है वो अच्छे से गल जाए। टेन टू फिफ्टीन मिनट्स इसको मैं ढककर रख दूँगी। यहाँ पर मिर्चें भरने के लिए जो हमें मसाला चाहिए, 1 टीस्पून कलौंजी, 1/2 टीस्पून नमक चाहिए, यहाँ पर अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग भी आप ले सकते हैं, 1 टीस्पून यहाँ पर पिसा हुआ ज़ीरा, 1 टेबल स्पून चाट मसाला टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं आप, 1 टीस्पून सौंफ, और यहाँ पर मैंने बड़ी वाली हरी मिर्चें ले ली थी और उनको बीच में से कट कर ली था, हाफ़ आपने कट नहीं करना, एक कट लगाना है, और लीमू आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब इन चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, अब इन सब मसालों को हम मिक्स कर लेंगे, और इसमें लीमू डाल देंगे, अगर आपको एक लीमू की ज़रूरत है तो आप एक डाल लें, अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं, अगर ज़्यादा खट्टा पसंद है आपको तो। मैं इसमें अपने दोनों ही लीमू ऐड कर दूंगी और मिर्चों में भर दूंगी ये मसाला।
तो देखिए यहाँ पर अभी भी थोड़ा थोड़ा पानी है। इसमें हम अपनी हरा धनिया और वो जो मिर्चें थी हमने भर के रखी वो हम इसमें ऐड कर देंगे ताकि दम में वो भी हल्की हल्की गल जाए। बहुत ही मज़ेदार बना था अचार, को महसूस ही नहीं हो रहा था कि हम बाज़ार से मसाला नहीं लेके आए इसका और घर पर तैयार किया है। अब इसको मैं दोबारा दम पर रखूँगी तब तक के जब तक पानी इसका थोड़ा खुश्क ना हो जाए और ये मिर्चें थोड़ी सी गल ना जाए। बिल्कुल नहीं गलवाना, हल्का हल्का गल जाएंगी तो उतार लेंगे इसको। फ्लेवर्स देखिए अचार गोश हमारा तैयार है बिल्कुल। अब इसे हम डिश आउट कर लेंगे। तो व्यूवर्स देखिए बिल्कुल तैयार है हमारा अचार गोश्त। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलें, जिससे आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेंगी। और बहुत ही मज़ेदार बना था ये अचार गोश्त, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। तो किचन विद ईशान को इजाज़त दीजिए, एक न्यू रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़।